तो आप सबको पता है कि पहले मैं इस चैनल पर Redmi Note 9 Pro Max से अपडेट से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो बनाता था, Redmi Note 9 Pro Max, एंड मैं काफ़ी टाइम से Redmi Note 9 Pro Max के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ, दूसरे कंटेंट में डाल रहा हूँ इस चैनल पे। तो मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, वो कुछ लोग उनमें से कमेंट कर रहे कि भाई Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 13 कब आएगा। तो हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाता तो अभी नहीं बना रहा हूँ, बट मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आप लोग पूछ रहे हो तो बताना है। तो MIUI 13 Redmi Note 9 Pro Max में कब तक आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले MIUI 13 कब आएगा वो बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, Redmi Note 9 Pro Max कब लॉन्च हुआ, 12 मार्च 2020 को Redmi Note 9 Pro Max इंडिया में लॉन्च हुआ। एंड ये लॉन्च होने के बाद लगभग 2.5 साल के आसपास हो गया, 2.5 ईयर्स हो चुका है। तो 2 ईयर्स के बाद, लगभग 1.5 से 2 साल पार होने के बाद, अपडेट काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया जाता है। चाहे कोई भी कंपनी से रिलेटेड आप फ़ोन ले ले, चाहे रेडमी ले ले या तो रियलमी ले ले या कोई भी ले ले, तो 1.5-2 साल के बाद अपडेट स्लो कर देता है। तो वही हुआ है यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max के साथ, काफ़ी टाइम से अपडेट कम मिल रहा, काफ़ी लेट अपडेट है, काफ़ी टाइम से अपडेट मिला ही नहीं। तो काफ़ी लोगों में ये भी परेशानी है कि ये सोच रहे लोग MIUI 13 आएगा कि नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जी हाँ, आएगा MIUI 13, आएगा Redmi Note 9 Pro Max में। पर कब? तो देखो, MIUI 13 जो है अपडेट 3 बैच में रोल आउट किया जा रहा है, सॉरी 4 बैच में, पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच और चौथा बैच। पहला बैच का अपडेट रोल आउट हो चुका है, सेकेंड बैच का भी लगभग रोल आउट हो चुका है, थर्ड बैच का रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, मीन्स स्टार्ट हो चुका है, पूरा रोल आउट नहीं हुआ। एंड जो Redmi Note 9 Pro Max है वो 3rd बैच में दिया गया। एंड अगर मैं आपको Redmi Note 9 Pro Max का बताऊँ तो अभी फिलहाल Redmi Note 9 Pro Max के ऊपर काम चल रहा है, MIUI 13 का अपडेट के लिए काम चल रहा है। तो और जो Redmi Note 9 Pro है उसका अपडेट कुछ डिवाइस में आ चुका है, कुछ में आना बाकी है, मीन्स ग्लोबली इसका अपडेट रोल आउट हो चुका है, इंडिया में अभी रोल आउट नहीं हुआ है बट ग्लोबली रोल आउट हो चुका है। उस हिसाब से Redmi Note 9 Pro में बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, कुछ ही टाइम में, या तो September 1st के बीच में और या तो September 1st से mid September के बीच Redmi Note 9 Pro में अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद Redmi Note 9 Pro Max में भी अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि September लास्ट या October 1st या mid October तक आपको Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 13 का अपडेट मिल जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 13 का अपडेट कब आएगा। बाकी आप में से जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं Redmi Note 9 Pro Max से, वीडियो से आप इस चैनल पे आए, तो आप बता सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आपका डिवाइस कौन से अपडेट पे है, MIUI वर्सन कितना पे है। तो और यहाँ और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि MIUI 13 Android 12 के साथ आएगा Redmi Note 9 Pro Max में, डायरेक्ट Android 12 भी आपको मिल जाएगा MIUI 13 के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप लोग।